मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं होटल की ओर। वेटिंग एरिया में है और पूरा टाइम होगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे सभी लोग हॉल के अंदर जा रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए और मैं भी जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम पहुँचे डिनर और स्नैक्स एरिया में, जहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था खाने पीने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें कहा गया कि आप टी ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद इवेंट स्टार्ट होगा। और ये था होटल जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा था, काफ़ी सुंदर था और काफ़ी लोग आए हुए थे। कम से कम 600 क्रिएटर से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे और काफ़ी मज़ा आया। और मैंने हाथ में ये बैंड भी पहन लिया था। और अब यहाँ पे हो रहा था इवेंट स्टार्ट और एंट्री थी अमरीश भाई की, मतलब कि महात्मा जी टेक्निकल। देन सर ने सभी क्रिएटर को टिप्स दिया कि फ्यूचर में वो कैसे ग्रो हो सकते हैं। देन फिर सभी ने गेम खेला जहाँ पे एक स्लाइम से कुछ भी बनाना था जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, और मैंने कुछ ऐसा बनाया था। ये खिचड़ी बन गया है गाइस। ये मैंने बनाया था और ये आरती दी ने बनाया था। और मैं यहाँ पे शाहरुख खान के स्टाइल में भाग के अवार्ड ले रही थी। और अवार्ड इस बात का था कि मैंने वहाँ पर सबसे अच्छा बोला था, इसलिए मुझे अवार्ड दिया जा रहा था। तो अब हो गई ये इवेंट ख़त्म, अब पेट पूजा के टाइम है। तो मैंने स्नैक्स में खाया था फिश फ्राई और चिकन 65। और जब खाने की बारी आई थी तो मैंने खाई थी चावल और थोड़ी सी दाल मखनी और पनीर की सब्जी, थोड़ा सा पास्ता लिया था, एक नान ली थी और कोई दोई माछ करके डिश थी, मैंने वो नहीं लिया। और ये हलवा लिया था और भी काफ़ी सारी चीज़ें थे लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। और खाने के रिव्यू की बात करूँ तो ये जो हलवा था ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और मेरे को ये हुडी बैग मिला है, आपको दिखा। हुडी बैग मिला तो वो आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ का, इधर काफ़ी अच्छा गार्डन है। इवेंट काफ़ी अच्छा रहा, मेरा फर्स्ट इवेंट था तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। अब हम लोग घर को जा रहे हैं तो मैं आपको हुडी बैग घर पे दिखाऊंगी। मैं घर को आ गई हूँ और आधे घंटे हो गया होगा मुझे घर आए हुए। और मैंने थोड़ा बहुत फ्रेश किया, बहुत ज़्यादा थक गई थी तो थोड़ा बहुत आराम कर लिया। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ और बहुत मज़ा आया, मेरा फर्स्ट इवेंट था और पटना में भी एक फर्स्ट इवेंट हुआ था और बहुत मज़ा आया। मैं महात्मा जी टेक्निकल जी से मिली, ब्राउनी प्रिया से मिली, आरती दी से मिली और भी काफ़ी सारे क्रिएटर थे। मैं दृष्टि सर से भी मिली जिससे मैं थोड़े बहुत क्लासेस करती हूँ अपने स्कूल की, उनसे भी मिली मैं। और भी बहुत सारे यूट्यूबर थे उनसे मैं मिली, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर थे। और जब एक थोड़ा बहुत सेशन हो रहा था तो उसके बीच एक गेम जैसा हुआ कि आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन करना है या फिर अपने चैनल के बारे में बताना है। तो सारे लोगों से पूछ रही थी, मैं सबसे पीछे बैठी हुई थी, एकदम लास्ट बैक बेंचर की तरह मैं बैठी हुई थी। तो आगे सारा सवाल वो पूछ रही थी जो भी होस्ट कर रहे थे वो, तो सारे लोग अपने अपने जवाब दे रही थी। मैं सोच रही थी मेरे पास कब माइक आएगा, मैं कुछ कब बोलूँगी, तो मैं वेट कर रही थी। तो जब पीछे आई वो तो मैंने हैंड रेस किया, सब लोग हैंड रेस कर रहे थे तो मैंने भी हैंड रेस किया कि मुझे भी कुछ बोलना है। और जब मैंने बोला फिर उसके बाद इतना अच्छा बोला कि सारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा चिल्ला रही थी, इतना ज़्यादा मतलब इतना अच्छा बोला, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो मुझे वहाँ पर अवार्ड मिला और फिर अवार्ड मिलने के बाद मैं इतने ज़्यादा फेमस हो गई वहाँ पे, सारे क्रिएटर मुझे कॉन्ग्रेट्स कह रहे थे, सब मुझे मुझसे हैंडशेक कर रहे थे, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, काफ़ी लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज़ भी किए थोड़े बहुत यूट्यूबर के साथ, मैंने कोलैब भी किया तो बहुत मज़ा आया। और साथ में ये हुडी बैग मेरे को मिला है तो ये मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊँगी। और मुझे क्या अवार्ड मिला है
वो भी मैं शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, तो ज़रूर देखना। और गेट रेडी विथ मी भी मैंने बनाया है, तो वो भी मैंने शॉर्ट्स में ही डाला है, तो वो देख लेना आप। मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और बहुत मज़ा आया, ये मेरा फर्स्ट इवेंट था, बहुत मज़ा आया। बाय बाय।